नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। आगामी दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब दोस्तों आपको राजस्थान के कौन कौन से जिलों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आएगा, कहां कहां पर दोस्तों भारी बारिश होने के आसार हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह भी बताएंगे कि सितंबर फर्स्ट वीक में आपको किस तरह का मौसमी सिस्टम राजस्थान में देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों सेकंड वीक में आपको राजस्थान के कौन कौन से जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में एक नए मौसमी सिस्टम के कारण राजस्थान के कौन कौन से जिले बारिश से सर्वाधिक प्रभावित हुए आपको नजर आएंगे। राजस्थान के अलावा भी दोस्तों इस मौसमी सिस्टम का सर्वाधिक असर कौन कौन से राज्य में आपको देखने को मिल सकता है, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान में किस तरह का मौसम देखने को मिला था। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश की बात करें तो दोस्तों घाटोल तहसील बांसवाड़ा में 75 mm बारिश दर्ज की गई, जो कि बीते 24 घंटे की सर्वाधिक बारिश मानी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों भीलवाड़ा में 7 सेंटीमीटर, भीलवाड़ा तहसील में दोस्तों 7 सेंटीमीटर, भूगोड़ा बांसवाड़ा में 7, पाटन बूंदी में 7, आमेर राजसमंद में 7, भरतपुर में 5, रासमी चित्तौड़गढ़ में 5, सारडा उदयपुर में 5, लाडपुरा कोटा में 5, शाहपुरा भीलवाड़ा में 5, उनियारा टोंक में 4, इसके अलावा दोस्तों नैनवा बूंदी में 4, दानपुर बांसवाड़ा में 4, बानेडा भीलवाड़ा में 4, गिरवा उदयपुर में 4, सज्जनगढ़ बांसवाड़ा में 4, लोहाडिया बांसवाड़ा में 4, बसीडी धौलपुर में 3, आसपुर डूंगरपुर 3, कोटका सिम अलवर में 3, डीग भरतपुर में 3, पलानी दौसा में 3, बूंदी में 2, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 2, अंतावारा में 2, जाजपुर भीलवाड़ा में 2, दिहोद कोटा में 2, रूपबास भरतपुर में 2, चौथका बरवाड़ा सवाई माधोपुर में 2, बिजौलिया भीलवाड़ा में 4, पीपलखूंट प्रतापगढ़ में 2, रेलमगरा राजसमंद में 2, गणेशपुर डूंगरपुर में 2, बुहाना झुंझुनू में 2, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 2, लालसोट दौसा में 2, पीपलदा कोटा में 2, शाहबादवारा में 2, बांसवाड़ा में 2, आरथना बांसवाड़ा में 1, दौसा में 2, झाड़ोल उदयपुर में 1, सकराय दौसा में 1, जगपुरा बांसवाड़ा में 1, निठुआ डूंगरपुर में 1, नाथवारा राजसमंद में 1, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 1, नगर भरतपुर में 1, शेरगढ़ बांसवाड़ा में 1, मालसीसर झुंझुनू में 1, डूंगरपुर तहसील में 1, जयपुर एरो में दोस्तों 1, सवाला डूंगरपुर में 1, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 1, जयपुर तहसील में 1, गढ़ी बांसवाड़ा में 1, प्रतापगढ़ में 1, हिंडौली बूंदी में 1 सेंटीमीटर बारिश आपको बीते 24 घंटे में देखने को मिली थी। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई अलग अलग स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आया। कई स्थानों पर आपको 1 सेंटीमीटर से कम बारिश बीते 24 घंटे में देखने को मिली थी। दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में अवगत कराया था कि पूर्वी राजस्थान के 5 संभागों सहित पश्चिमी राजस्थान के भी कई अलग अलग स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आएगा। सेम कंडीशन दोस्तों आपको बीते 24 घंटे में देखने को मिली थी। राजधानी जयपुर में भी दोस्तों दोपहर बाद कई अलग अलग स्थानों पर मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव के कारण तेज बारिश का दौर देखने को मिला था। टोंक रोड, वैशाली नगर, सीतापुरा, जवाहर सर्किल, मानसरोवर, प्रतापनगर, परकोटा, आमेर, अजमेर रोड, गलता, सीतापुरा, पिस्करमा, मुरलीपुरा, सीकर रोड, चौमू, चाकसू, शिवदासपुरा में दोस्तों अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिली थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको राजस्थान में किस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। आगामी 24 से 48 घंटों के लिए IMD ने दोस्तों राजस्थान के लगभग संपूर्ण जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब दोस्तों आपको पूर्वी राजस्थान के 5 संभागों सहित पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कई अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा।
नए मानसूनी सिस्टम की वजह से राजस्थान सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश की भी कई अलग अलग स्थानों पर आपको भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में दोस्तों आपको जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम तो दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। सर्वाधिक बारिश दोस्तों आपको उदयपुर संभाग के कई अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलेगी। पुरानी वीडियोज में पश्चिमी राजस्थान के कई अलग अलग स्थानों से कमेंट आए हैं कि सर हमारे यहां पर इस स्थान पर अभी तक भारी बारिश का दौर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सितंबर फर्स्ट वीक में तो वो जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई अलग अलग स्थानों पर आपको सिर्फ हल्के से मध्यम बारिश का दौर नजर आएगा। इक्का दुक्का स्थानों पर ही आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों सितंबर सेकेंड वीक में आपको जोधपुर और बीकानेर संभाग के लगभग संपूर्ण जिलों में कई अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर आपको भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसको लेकर दोस्तों IMD ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और आगामी दिनों में आपको पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात नजर आएंगे। अब दोस्तों हम आपको IMD की ऑफिशियल साइट पर ले चलते हैं, जहां से संपूर्ण न्यूज बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों कहां कहां पर किस तरह के अलर्ट भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दिए हैं और किन किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब दोस्तों आप IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहाँ पर बात करेंगे 3, 4 और 5 सितंबर के मौसम के बारे में। 3 सितंबर को राजस्थान की स्थिति को अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर दर्शाया है राजस्थान में दोस्तों पूर्वी राजस्थान के 5 संभागों सहित पश्चिमी राजस्थान के भी जोधपुर और बीकानेर संभाग में अब आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान में दोस्तों आपको उदयपुर और कोटा संभाग के कई स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अजमेर, भरतपुर और जयपुर संभाग के भी कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम तो दोस्तों इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। जोधपुर और दोस्तों बीकानेर संभाग में भी यहां पर बादलों की आवाजाही आपको देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र इससे अब की बार सर्वाधिक प्रभावित रहने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पर 4 सितंबर के मौसम के बारे में। तो दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों यहां पर संपूर्ण राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट IMD ने दर्शाया है। दोस्तों यहां पर फिर से एक बार भारी बारिश की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने जारी कर दी है। अब दोस्तों आपको पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकांश क्षेत्रों में बादलों का आवागमन देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर दोस्तों आपको अचानक से मौसम में बदलाव के कारण भारी बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों लगातार यहां पर मानसून की एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको यहां पर आंशिक रूप से बादल तो दोस्तों कुछ स्थानों पर गहरे काले बादलों के साथ तीव्र मूसलाधार बारिश भी जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पर 5 सितंबर के मौसम के बारे में। तो दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों यहां पर संपूर्ण राजस्थान में बारिश का ग्रीन अलर्ट IMD ने दर्शाया है। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान से सटे हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहां पर बारिश का येलो अलर्ट IMD ने दर्शाया है, जिसके कारण आपको इसका सर्वाधिक इफेक्ट राजस्थान के 3 संभागों यानी कि भरतपुर, जयपुर और दोस्तों बीकानेर संभाग के कई अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। इक्का दुक्का स्थानों पर तीव्र मूसलाधार बारिश भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो दोस्तों इस मानसूनी सिस्टम का ट्रैक कुछ इस तरह का ही बना हुआ है। आगामी दिनों में कोई नया मानसूनी सिस्टम बनेगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत कराया जाएगा।